हेलो स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू आर इन एस एस टी क्लास स्टूडेंट टूडे विल डिस्कस अबाउट चैप्टर टू द नॉर्दर्न माउंटेन दिस इज़ योर पार्ट सेकेंड स्टूडेंट इफ यू इफ़ यू वॉन्ट टू सी योर पार्ट वन देन यू ओपन योर लिंक विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स स्टूडेंट्स अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो आप पार्ट वन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से लिंक को ओपन करके देख सकते हैं स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दिस इज अनुज कुमार वर्मा एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी पॉइंट स्टूडेंट इन दिस सेशन विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट वेजिटेशन आज हम लोग पहले वेजिटेशन के बारे में देखेंगे कि जो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं वहाँ पे किस तरीके का वेजिटेशन फाउंड होता है या फिर वहाँ का वेजिटेशन किस तरीके का है देयर इज स्प्रास वेजिटेपन इन द ग्रेटर हिमालज दीज इंक्लूड शर्ब्स मॉसिस बीच एंड वाइल्ड फ्लावर्स लाइक ब्लू पॉपीज एंड एडलविसेस मीस जो ग्रेटर हिमालय का वेजिटेपन है स्प्रॉस वेजिटन का मीन्स एक तरीके से पर्याप्त मात्रा में ना होना किसी चीज़ का या लिटल अमाउंट में बोल सकते हैं कि कम मात्रा में किसी चीज़ का होना तो वहाँ पर शर्प्स शब्द जानते हैं इसमें कटीली झाड़ियां टाइप की होती हैं मॉसेस लीचेन वाइल्ड फ्लावर्स एंड ब्लू पपीज एंड एडल इस तरीके के वहां पे फ्लावर्स एंड जो शब्स हैं वो फाउंड होते हैं द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मिडल हिमालय कंसिस्ट ऑफ पाइन ऑक पॉपलर वॉलनट स्प्रूस फायर कैप्रेस, जूनीपर एंड ब्रीज में जो मिडिल हिमालय के वेजिटेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वहाँ पे पाइन ट्री फाउंड होते हैं ऑक ट्री पॉपुलर ट्री एंड वॉलट स्प्रूज फैर क्रैपरस जूनीपर एंड ब्रीच, दीज आर द बेसिक ट्रीज आर फाउंड इन द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मिडिल हिमालयाज दिस रीजन हैज़ मैनी ऑर्च्स ऑफ लाइक एप्पल प्लम्स पीच पीयर्स चैरीज एंड आलमंड्स मीन इस रीजन में जो ऑर्चिड्स फाउंड होते हैं बेसिकली किसके हैं सेब प्लम पीच पीयर यानी कि नाशपाती चैरी और बादाम के वहाँ पर ऑर्चिड्स फाउंड होते हैं बेसिकली द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द तराई रीजन ऑफ द आउटर हिमालय है क्लियर टू ग्रो क्रॉप सच एज राइस शुगर कैन वीट जो वहाँ पे तराई एरिया है फॉरेस्ट एरियाज के बाद जो तराई रीजन है हिमालयन रीजन में बेसिकली वहां पे धान की खेती गन्ने की खेती और गेहूं की खेती वहां पे की जाती है द वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द ट्रीज लाइक कीकर सॉल टीक एंड बबूल बेसिकली वहाँ पे जो वेजिटेशन के रीजन हैं जो वेजिटेशन में रीजन में फाउंड होते हैं ट्रीज बेसिकली वो कौन से हैं कीकर है सॉल ट्री है टीक ट्री है एंड बबूल ट्री The slopes of these mountains are used for agriculture purpose. Means जो वहां पे slopy areas हैं, slopy जो fields हैं basically, जिनको खेत बोलते हैं slopy होने की वजह से वहां पे terrace farming ज़्यादा found होती है या फिर वहां पे terrace farming का use किया जाता है, जिस तरीके से terrace farming की जाती है। CD number जिन खेतों को बोलते हैं उने terrace farming कहते हैं। Student मुझे live chat में फटाफट से answer दीजिए कि natural vegetation में जो middle Himalayas हैं वहाँ पे कौन कौन से बेसिकली ट्रीज फाउंड होते हैं कौन कौन से ट्रीज फाउंड होते हैं फटाफट से आंसर करके बताइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नेचुरल वेजिटेशन या मिडिल हिमालय रेंज में नेचुरल वेजिटेशन में कौन कौन से ट्रीज फाउंड होते हैं कौन कौन से ट्रीज वहाँ पे पाए जाते हैं ठीक है बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं द नॉर्दर्न माउंटेन्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द लिविंग कंडीशन इन दिस रीजन इज डाइवर्सिफाइड बेसिकली अगर बात करें तो अपने इंडिया की भारत को विविध देशों का एक गढ़ बोला जाता है या बोला जाता है यूनिटी इन डायवर्सिटी बिकॉज यहाँ पे कई तरीके के लोग कई भाषाओं को बोलने वाले लोग कई कल्चर को अप्लाई करने वाले लोग अपनाने वाले लोग है तो इसीलिए इसे यूनिटी डायवर्सिटी डाइवर्सिटी बोला जाता है इट इज वेल एडजस्टेड विद द क्लाइमेटिक कंडीशन द रीजन इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ रीजंस हैं जैसे जिनमें इंक्लूड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड सिक्किम वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इन्हें नेचुरल ब्यूटी या फिर रीजन अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बोला जाता है मीन्स यहाँ पे क्या होता है देश विदेश से लोग गर्मियों के सीजन में यहाँ पे घूमने आते हैं विजिट करने आते हैं क्योंकि यहाँ का एनवायरमेंट और क्लाइमेट बहुत ही बेस्ट रहता है एंड मैनी ऑफ द पीपल्स आर विजिटिंग एवरी ईयर इन दीज रीज तो फर्स्ट हमारा टॉपिक क्या हम डिस्कस करेंगे अभी जम्मू एंड कश्मीर द ब्यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज वेल डिफाइंड इन हिस्ट्री इवन द ग्रेट मुगल कॉर द इट एज है ऑन द अर्थ जम्मू एंड कश्मीर को पुरानी हिस्ट्री से ही डिफाइंड किया गया है पुरानी हिस्ट्री में भी आपने जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर बहुत फेमस है और मुगल जब यहाँ पर मुगल राज किया करते थे तब उसे तभी से वन ऑन द अर्थ के नाम से उसे जाना जाता है यानी कि पृथ्वी का स्वर्ग बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर को ओके okay? जो कि अब हमारा यूनियन टेरिटरी में है जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट एंड कैपिटल में था बट अब क्या है यूनियन टेरिटरी में है नाउ टेल मी विच यूनियन टेरिटरी इज नोन एज है ऑन द अर्थ कौन सी यूनियन टेरिटरी को हैवन ऑन द अर्थ के नाम से जाना जाता है या पहले जो स्टेट था हमारा उसको टेरिटरी के नाम से अब जाना जाता है कौन सा है वो बेसिकली बताइए फटाफट फ़ड़ से आंसर सेंड करिए आप लोग अपने ओके गुड वेरी गुड आगे बढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर टू कैपिटल श्रीनगर इज द कैपिटल इन द समर एंड जम्मू इन द विंटर सीजन जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल पहले श्रीनगर समर में और विंटर्स में बेसिकली कश्मीर थी बेसिकली यहाँ की लैंग्वेजेस कौन सी हैं कश्मीर में कश्मीरी लैंग्वेज बोली जाती है डोगरी बोली जाती है लद्दाखी लैंग्वेज बोली जाती है और उर्दू बोली जाती है दीज आर द स्पोकन लैंग्वेज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हेयर इज अ ब्यूटिफुल गार्डन इज नोन एज शालीमार गार्डन हेयर यू हैव सीन अ पिक्चर ऑफ शालीमार गार्डन द ब्यूटीफुल शालीमार गार्डन्स आर बिल्ट बाय द मुगल एम्पायर जहांगीर ये जो शालीमार गार्डन हाउस को जहांगीर ने बनवाया था वुलर एंड द डल आर फेमस लैक्स इन द स्टेट वुलर और डल लेक जो है वो यहाँ पे इस स्टेट में फेमस लेक हैं जिनको झील बोलते हैं द ब्यूटी ऑफ हाउस बोट एंड शिकार इज द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ टूरिज्म मीनस यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो क्या हाउस बोट यहाँ के लिए बहुत फेमस है और शिकारा भी बहुत फेमस है टूरिस्ट प्लेसेस के लिए टूरिज्म के लिए कश्मीर रिमेन्स कूल ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग इन विंटर बेसिकली कश्मीर में विज़िट करने के लिए लोग जून या फिर गर्मियों के सीज़न में ही जाते हैं तो यहाँ पे एनवायरनमेंट तब समर्स में क्या होता है कूल होता है ठंडा होता है एंड गर्म ठंड की डरेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है कश्मीरीज द कश्मीरीज यूज कांगरी कांगरी बेसिकली क्या होता है एक पॉट होता है बर्निंग कोल के लिए अ पॉट अ स्मॉल पॉट विद बर्निंग कोल यानी कि जलते हुए कोयले के साथ एक पॉट होता है एक तरीके से समझ सकते हैं एक गोल सा शेप होता है उसके अंदर क्या होता है कोयला होता है टू कीप दमसेल वार्म जो लोगों को क्या रखता है उनकी बॉडी को गर्म रखता है मैन एंड वुमेन्स जनरली वियर पीरन पहनते हैं बेसिकली जो गारमेंट है वोलन गारमेंट है और सलवार पहनते हैं द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हेयर एज ईद एंड शिवरात्रि वहां का मेन फेस्टिवल क्या है जम्मू एंड कश्मीर का वहां पे मेन फेस्टिवल ईद है और शिवरात्रि है मीन्स मोस्ट ऑफ द मुस्लिम पीपल्स मुस्लिम पीपल्स आर सेलिब्रेट ईद एंड द हिंदूज पीपल सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल शिवरात्रि पीपल ड्रिंक कहावा कहावा कहाँ की फेमस टी है स्पेशल टी है इज अ स्पेशल टी और स्पेशल टाइप ऑफ टी इन कश्मीर कश्मीर में कहावा नाम की फेमस टी है ये बहुत ही फेमस है वहाँ पे इसको वहाँ पे लोग बहुत शौक से पीते हैं ड्यूरिंग द समर सीजन मोस्ट पीपल वर्क इन द फील्ड्स दे ग्रो राइस मेज राजमा वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड सैफरन बेसिकली समर सीजन में क्या है वहाँ पे लोग खेतों में काम करते हैं खेतों में क्या बोलते हैं चावल मक्का राजमा सब्जियाँ और फल साथ में क्या हो केसर केसर की खेती कश्मीर में होती है ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे स्टे एट होम ठंड के टाइम में क्या करते हैं वो अपने घरों में ही रहते हैं और उस डिश में क्या करते हैं मेका हैंडी क्राफ्ट एंड वूल सम वेव सिल्क एंड वुलन क्लॉथ हाथ से बनी हुई चीज़ों को घर में रह के ही बनाते हैं क्योंकि बाहर एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है सम वेव सिल्क एंड वुलन क्लॉथ द कारपेट एंड शॉल ऑफ कश्मीर आर वेरी फेमस मीन्स कुछ वेविंग का काम यानी कि कुछ बुनाई का काम घर में रह के करते हैं और साथ में क्या करते हैं वुलन वुलन क्लॉथ्स के साथ साथ कारपेट और शॉल को भी बनाते हैं जो कि क्या है कश्मीर की शॉल और कारपेट्स बहुत फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड अ नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट द स्टेट समूरिस्ट अट्रैक्शन आर मीन्स जो पीपल्स हैं जो विजिट करने के लिए वहाँ पे हर साल आते हैं बेसिकली तो वो किन किन जगहों पे बेसिकली जो फेमस अट्रैक्शन है टूरिस्ट प्लेसेस के बेसिकली तो क्या है श्रीनगर है पहलगम है गुलमार्ग है वैष्णो देवी है अमरनाथ केव है तो श्रीनगर पलगाम गुलमार्ग वैष्णो देवी और अमरनाथ की जो गुफाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस हैं या टूरिस्ट अट्रैक्शन बोल सकते हैं उनको लद्दाख इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट लद्दाख नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सिचुएटेड है वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं पीपल इन द लद्दाख रेयर याक एंड पशमानी शीप वहाँ पे लोग लद्दाख में याक याक जो होते हैं उनको पालते हैं और क्या है पशमानी शीप्स जो होती हैं भेड़ या फिर उनको पालते हैं एंड दे फॉलो द बुद्धि बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं और लद्दाखी लैंग्वेज को बोलते हैं ओके आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी सर so स्टूडेंट आपको एक आंसर और देना है कि जो सैफरन की खेती है वो अपने स्टेट्स में कहाँ होती है या किस स्टेट में होती है किस जगह पे होती है सैफरन की खेती और एक क्वेश्चन और मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर बताइए कि जो ब्यूटीफुल शालीमा गार्डन है उसको किसने बनवाया था ब्यूटीफुल शालीमार गार्डन किसने बनवाया था फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग आगे बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश पर हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं कि क्या कुछ है हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे डिस्कस करेंगे द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट इज शिमला हिमाचल की कैपिटल क्या है शिमला है द लिविंग ऑफ द पीपल इन द हिमाचल प्रदेश इज़ ऑलमोस्ट द सेम आर दो ऑफ़ कश्मीर सेम जैसे कश्मीरी लोग होते हैं उसी तरीके से उनका भी रहन सहन खान पीन खान पान सेम होता है मोस्ट ऑफ़ द पीपल आर एसोसिएटेड विद द फार्मिंग एक्टिविटीज फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी कुछ पीपल्स इंक्लूड होते हैं दे ग्रो राइस मेज बर्ले फ्रूट वेजिटेबल वो फसलों को उगाते हैं ये फसलों के नेम मैंने आपको बताए हैं कुछ फसल उगाते हैं जो ये हैं शिप एंड गोट बेसिकली यहाँ के लोग जो हैं वो भेड़ और बकरियों को पालते हैं ओके तो स्टूडेंट जो लद्दाखी पीपल्स हैं मीन द पीपल ऑफ लद्दाख विच लैंग्वेज दे स्पीक लद्दाख के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं मुझे लाइव चैट में फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग आंसर्स दीजिए फटाफट से आप फटा फट लोग मैन एंड वुमेन वियर टॉप्स एंड पैजाम मीन्स वहाँ के लोग क्या करते हैं मैन और वुमेन ऊपर टॉप्स पहनते हैं टॉप मीन्स दे आर द डिफरेंट लुक मीन्स वमेन्स के डिफरेंट तरीके के होते हैं और मैनस के दू, दूसरे तरीके के मैन वियर एम्ब्रॉयडर कैप यानी कि बुना कढ़ाई से करा हुआ जो होता है एम्ब्रॉयड्री मीन्स होता है कढ़ाई करना कैप्स पर कढ़ाई की हुई उनको पहनते हैं एंड वोमेन वीयर स्का्फ स्कार धाजू मीन्स जो स्कार्फ्स को पहनते हैं जो गले से डाले जाते हैं इस तरीके से तो उनको पहनते हैं उनको धाजू बोलते हैं धाजू द मेन फेस्टिवल ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज दशहरा हिमाचल प्रदेश में जो मेन फेस्टिवल है वो कौन सा है दशहरा दशहरा अपने यहाँ भी मनाया जाता है इसमें रावण को जलाया जाता है तो वहाँ पे भी इस फेस्टिवल को मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी मीन्स वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादातर हिंदी बोलते हैं द मेजर टूरिस्ट सेंटर्स शिमला डल कुल्लू एंड मनाली में से भी क्या है हिल है, स्टेशंस हैं शिमला डल कुल्लू मनाली वहाँ के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पे मैन ऑफ द टूरिस्ट विजिट एवरी ईयर कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं एंड जो हिमाचल प्रदेश के पीपल्स हैं वो इस तरीके से कुछ ड्रेसिंग सेंस रहता है उनका एंड एनकुल्लो फेस्टिवल्स वहाँ का फेस्टिवल क्या है बेसिकली दशहरा मनाते हैं स्टूडेंट तो मुझे आप बताइए कि जो वुमेन्स स्कार्फ वियर करती हैं उसको क्या बोलते हैं ओके okay? जो वहाँ की पीपल्स हैं लोग जो हैं वो स्कार्फ पहनते हैं उसको क्या कहते हैं वो मुझे बताइए फिर आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स है उत्तराखंड उत्तराखंड इनकॉर्पोरेट्स द गढ़वाल एंड कुमाऊँ हिल्स मीन्स घरवाल और कुमाऊँ हिल्स इनकॉर्पोरेट करता है देन फार्मिंग क्या है वहाँ की मेन इकोनॉमी एक्टिविटी है उत्तराखंड की मसूरी नैनीताल एंड अल्मोड़ा आर द पॉपुलर हिल स्टेशंस मीन्स वहाँ पे मसूरी नैनीताल और अल्मोड़ा क्या है पॉपुलर हिल स्टेशन हैं जहाँ पे हर साल टूरिस्ट क्या करते हैं विजिट करने के लिए जाते हैं अदर फेमस टूरिस्ट एंड पिलग्रिम प्लेसेस इंक्लूडिंग हरिद्वार बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ रानीखेत। खेत मीन्स जो वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस हैं या फिर तीर्थ स्थल बोलें कि जहाँ पे लोग विजिट करने के लिए जाते हैं पिलग्रिम्स होते हैं जहाँ पे तीर्थ स्थल को बोलते हैं हरिद्वार बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ और ये सब क्या है पिलग्रिम्स हैं यानी कि ये सब क्या है पूजा के स्थल हैं पूजा जहाँ पे की जाती है पूजा वगैरह की जाती है ये सब पूजा के स्थल हैं एंड देहरादून इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून क्या है उत्तराखंड की कैपिटल है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल सिक्किम इज़ अ कैपिटल सिक्किम इज़ अ स्मॉल स्टेट एंड इज़ लोकेटेड ऑन हाई माउंटेन्स एंड डीप रिवर वैली सिक्किम क्या है स्मॉल स्टेट है और जो हाई माउंटेंस पर है यानी कि काफ़ी ऊँचाई ऊंचे माउंटेंस पर है और डीप रिवर वैलीज और नीचे क्या है नदियों की घाटी द पीपल बिलोंग टू थ्री मेन ट्राइब्स आर थ्री मेन ट्राइब्स बेसिकली क्या है लिप्सा बूटिया एंड नेपाली ये थ्री क्या है वहाँ की ट्राइब्स हैं एंड द वुमेन वियर बाकू वहाँ की वुमेन्स जो हैं वो क्या पहनती हैं बाकू पहनती हैं कलरफुल ज्वेलरी के साथ जो कि बीट्स से बनी हुई होती है एंड सिक्किम इज़ फेमस फॉर ऑर्चिड्स ऑर्चिड्स के लिए क्या है फेमस है गांगटोक कैपिटल है सिक्किम की ओके okay? यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी सिक्किम क्या है स्मॉल स्टेट है जो कि हाई माउंटेन्स पे है और थ्री टाइप्स की ट्राइब्स हैं वहाँ पे लिप्सिया, भूटिया एंड नेपाली और वहाँ के लोग जो वुमेन्स हैं वो बाकू पहनती हैं ज्वेलरी के साथ जो कि बीट्स के थ्रू बनी हुई है सिक्किम ऑर्चिड्स के लिए फेमस है और सिक्किम की कैपिटल क्या है गांगटोक इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम राइट right? आगे बढ़ते हैं दार्जिलिंग इज अ कैपिटल दार्जिलिंग इज अ वेस्ट दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल इज अ पॉपुलर हिल स्टेशन इट इज़ मैनी टी गार्डन्स विच प्रोड्यूस टी ऑफ गुड क्वालिटी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है हिल स्टेशन और वहाँ के लोग क्या हैं वहाँ पे टी गार्डन्स ज़्यादा हैं मीन्स चाय पत्ती की खेती वहाँ पे ज़्यादा होती है और गुड क्वालिटी की चाय को प्रोड्यूस किया जाता है द मेन एकटिविटी ऑफ द पीपल इज़ टी कल्टिवेशन वहाँ के लोग चाय की खेती ज़्यादा करते हैं एंड कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल कोलकाता क्या है वेस्ट बंगाल की कैपिटल है आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेवन सिस्टर्स के बारे में सेवन सिस्टर्स कंट्री जो सॉरी सेवन सिस्टर स्टेट्स जो हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अगर स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा अदरवाइज़ आपको कुछ जो कंटेंट है वो समझने में प्रॉब्लम आएगी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में थैंक यू बाय बाय टेक केयर सी यू